सो लो गाइस, आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की अपकमिंग फिल्म फाइटर के टीजर का रिव्यू करेंगे। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण स्टार फिल्म फाइटर का टीजर रिलीज हो चुका है। फिल्म अगले साल 25 जनवरी को रिपब्लिक डे के मौके पर रिलीज होगी। फिल्म के टीजर में कई दमदार एरियल एक्शन सीन की भी झलक मिली है। मेकर्स ने फिल्म को काफी अच्छा वीएफएक्स और सीजीआई वर्क करवाया है। टीजर में ऋतिक और दीपिका के अलावा अनिल कपूर भी नजर आ रहे हैं। वो इसमें ग्रुप कैप्टन राकेश रॉकी सिंह के रोल में दिखेंगे। वहीं ऋतिक इसमें स्क्वाड्रन लीडर शमशेर बेटी और दीपिका स्क्वाड्रन लीडर मीनल राठौर का किरदार निभा रही है। इस फिल्म के जरिए ऋतिक और दीपिका पहली बार किसी फिल्म में साथ नजर आएंगे। इसके अलावा फिल्म में करण सिंह ग्रोवर, संजीता शेख और अक्षय ओबेरॉय भी दिखेंगे। मेकर्स इस फिल्म को इंडिया की पहली एरियल एक्शन फ्रेंचाइजी के तौर पर डेवलप करने का प्लान कर रहे हैं। इसकी शूटिंग असम, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और मुंबई में की गई है। शूटिंग पूरी होने के बाद फिल्म के वीएफएक्स पर ब्रिटिश विजुअल इंपैक्ट्स कंप्यूटर एनिमेशन स्टूडियो ने 6 महीने तक काम किया है। यह फिल्म पहले 30 सितंबर 2022 में रिलीज होने वाली थी पर कोरोना के चलते डिले हो गई थी। फिल्म में कई रियल लाइफ इंडियन एयरफोर्स कैंडिडेट्स ने भी काम किया है। इससे पहले इसी साल 15 अगस्त को फिल्म का टीजर स्ट्रीट ऑफ फाइटर नाम से रिलीज हुआ था। इस 57 सेकंड के टीजर में ऋतिक, दीपिका और अनिल कपूर के एयरफोर्स ऑफिसर लुक सामने आए थे। सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म 25 जनवरी 2024 में रिलीज होगी। सिद्धार्थ ने 2021 में इस फिल्म की अनाउंसमेंट की थी।